नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। कहां से आ रही हो? एक डिनर पर गई थी। ये कोई वक्त है घर आने का आना? आजादी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको किसी बात का कोई एहसास ही ना हो। I'm sorry, पापा। जब तुम्हारे पास अपनी गाड़ी मौजूद है तो तुम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? और ये कौन छोड़ने आया था तुम? मेरा दोस्त है, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की कुछ टाइमिंग्स होती हैं। इतनी रात को अपने दोस्तों के साथ वापस घर आना कोई अच्छी बात तो नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मैं डिनर पर गई थी। डिनर रात को ही होता है। मैंने सोचा था कि आज हम साथ डिनर करेंगे, खूब बातें करेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वाह, मुझे बहुत नींद आ रही, सोने जा रही। गुड नाइट। और आपने जो गिफ्ट्स दिए उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे आपके गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलते चलते थक गई क्या आज? ना बहुत कोशिश की तुझे दुनिया की हर खुशी देने के लिए, हर परेशानी से दूर रखने के लिए, हालात समझी नहीं कभी। तुझे भी इस वक्त की बेरहम चक्की में मेरे साथ भेजना पड़ा। कैसी बातें कर रहे हो ऋषि? इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने तो रात को डरा ही दिया था ना। सारी रात अंगारों पे गुजरी है मेरी। तेरी बेटी सारी रात दुआएं करती रही है तेरे लिए। मैं जानती हूँ मेरे अम्मा बाप बहुत अच्छे हैं। अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, ये रात भी गुजर गई। अब डॉक्टर साहब जल्दी छुट्टी देने वाले हैं अम्मा को, लेकिन अम्मा डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि सिर्फ आराम करना है, कुछ दिन तक कोई काम नहीं करना। इन डॉक्टरों को हमारी मजबूरियों का क्या पता, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अरे होते रहेंगे काम भी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? चलें हम ज्यादा बातें मत करें, दवा खाते हैं। ले ये तेरी बेगम साहब का फोन है। हेलो रशीद, राबिया बात कर रही हूँ। हाजरा कहाँ है? उसका फोन भी बंद आ रहा है, काम पे भी नहीं आई है। हाँ जी, वो भी अस्पताल में है। हॉस्पिटल में है, लेकिन क्यों? मुझे रात थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो उसको लेके आना पड़ा यहाँ पे, दिल का दर्द उठा था। ओह अच्छा, अब कैसी है वो? नहीं नहीं अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, डॉक्टर ने आराम करने का कहा है। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, उसका ख्याल रखना तुम, अल्लाह ताला जल्द सेहतियाबी दे उसे। रखती हूँ फोन। बड़ी मेहरबानी, कह रही थी ख्याल रखो। मामा मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ठीक है। ओके बेटा। सुनो बेटा, यूनिवर्सिटी जाने से पहले जरा हॉस्पिटल चले जाओ, हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है।
वो हॉस्पिटलाइज है। हाजरा भी? क्या हुआ हाजरा भी को? हाँ पता नहीं उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया बेटा। प्लीज बेटा उन्हें पूछ लेना कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जो लोग हमारी खिदमत करते हैं ना बेटा उनकी जिम्मेदारी हम पे है। आप ठीक कह रही हैं। मुझे बताएं कि हाजरा भी कौन सा हॉस्पिटल में? जिना हॉस्पिटल में। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना वो लोग। अच्छा मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगा फिर वहां से यूनिवर्सिटी। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। आप आज घर पर? बिल्कुल आज मैं पूरा दिन घर पर रहने वाला हूँ अपनी बेटी के साथ। कोई खास काम? मेरी बेटी से और ज्यादा खास क्या होगा मेरे लिए? आपका काम? बेटा ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर ये सब तुम्हारे लिए तो बनाया है। लेकिन पापा मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है मैं आता हूँ। ओके 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 सॉरी बेटा मुझे जाना होगा एक जरूरी काम है। हम फिर वीकेंड प्लान करते हैं। एक्सक्यूज मी। अब आप मैं जाके डिस्चार्ज स्लिप बनवा लेती हूँ फिर घर चलते हैं। हाँ ठीक है मैं बनवा। अस्सलाम वालेकुम। अरे छोटे अरे बैठे 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 बैठे। आप यहाँ? मामा ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं आप हॉस्पिटल में। क्या हुआ? पता नहीं बेटा अचानक ही रात को कुछ हो गया था। अब कैसी तबीयत है आप? शुक्र है अल्लाह का तो बेहतर है। डॉक्टर ने बताया कि एक्चुअल कॉज क्या है मेरा मतलब बीमारी क्या है? बेटा जी इतने पढ़े लिखे तो हम है नहीं। जो भी बात होती है डॉक्टर की वो बेटी से होती है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना तो वही बता रही थी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल का दर्द उठा था। फिर तो इसका मतलब बात सीरियस है। बेटी कहाँ है आपकी? मुझे बाहर गई है पर्ची बनवाने। मेरे ख्याल में थोड़ी देर में हमें छुट्टी मिल जाएगी चले जाएंगे घर। चले अल्लाह बेहतर करे। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है तो मुझे बताएं। नहीं बेटा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया छोटे साहब आप आ गए हमारे लिए यही काफी वरना कौन करता है अपने मुलाजमों के लिए। हाजरा भी कोई किसी का मुलाजिम नहीं होता सब अपना अपना काम करते हैं और हर काम इज्जतदार है। वैसे बाय द वे ये बाप के शौहर मुझे कुछ देखे देखे लग रहे हैं। मैं तो जी वो एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर हूँ आपने शायद पहचाना नहीं और जिसे आपने वो सेठ के अताब से बचाया था याद है आपको?
एग्जैक्टली अरे वाह आपने खूब पहचाना मुझे। जी हम गरीब अपने मोहसिनों को याद रखते हैं, अल्लाह आपको शादोआबाद रखे। मैं मामा को कॉल करके बता दूंगा आपकी खैरियत का, परेशान हो रही थी आपके लिए। सलाम अलैकुम मामा। मामा मैं हॉस्पिटल में हूँ आज अभी के पास। जी जी अब ठीक है, वो तबीयत ठीक है उनके अब। हाँ वो कह रहे थे शायद दिल का, आई थिंक माइनर एंजाइना का अटैक। जी जी मैंने पूछा है, कुछ भी चाहिए तो मुझे बताएं। अच्छा मामा मैं अब यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ठीक है शाम में मिलते बाय। चलें हाजा भी मैं चलता हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो किसी भी वक्त आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा अच्छा लड़का है। सारे घर के लोग अच्छे। ये चेक हाजरा को दे देना। जी बेगम साहब। और रास्ते से फ्रूट लेके वो भी दे आना। जी बेहतर। ठीक है थैंक यू। चले अम्मा डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया, अब अभी रिक्शा लेकर आ रहे हैं। अच्छा बहुत देर लगा दी तुम, छोटे साहब आए थे। छोटे साहब यहाँ किस लिए? मेरी तबीयत का पूछ रहे। उन्हें किसने बताया? तुम्हारे सामने ही तो बेगम साहिबा से बात हुई थी। ओ हाँ वैसे बड़ी बात है, क्योंकि इन अमीरों के तो इतने नखरे होते हैं, इतना गुरूर होता है, ये हम गरीबों को कहाँ पूछते हैं। छोटे साहब ऐसे नहीं, बल्कि सारे घर वाले बड़े साहब सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। रहने दे अम्मा, आपको तो अपने साहब और उनके घर वालों के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा चले अब देर हो रही है और अब अभी आ गए होंगे रिक्शा लेकर। अम्मा ये ले। बेटा मेरी तबीयत अब ठीक है, रखो इसे। तो तुम यूनिवर्सिटी चली जाती ना, तुम्हारी पढ़ाई का कितना हर्ज हो रहा है। अम्मा आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करें, मैं मैनेज कर लूंगी। मेरी पढ़ाई आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ बेटा पढ़ाई मुझसे ज्यादा जरूरी है। मैं देखो जरा जी। वालेकुम सलाम। मुझे राबिया बेगम ने भेजा है हाजरा बी की तबीयत मालूम करने के लिए। अच्छा अच्छा आप अंदर आए ना। जी ये हाजरा का चक्कर चला रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग, फल फ्रूट तोहफे तहाइफ, इसलिए तो ये माँ बेटियां मेरे बेटे को घास नहीं डालती। आने दो खाली, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेंगे। अब तबीयत कैसी है हाजरा बी? अल्लाह का करम है भाई। ये चेक मैडम ने दिया। अल्लाह भला करे उनका, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना उनका। सब ठीक है? तुम तो जानती हो हाजरा जी, तुम्हारे हाथ के खाने की आदत पड़ गई है सबको, और छोटे साहब की पसंद से तो तुम वाकिफ ही हो, सबसे ज्यादा तो वो तुम्हें मिस करते हैं। मैं कल आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं तुम अभी आराम करो, और मुलाजिम है ना संभाल लेंगे। तुम अपनी सेहत का ख्याल करो, जब सेहत ठीक हो तब आ जाना, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। खुदा खुदा। वैसे अनाया आज खुद से यूनिवर्सिटी नहीं आई, उसने तो कभी ऑफ नहीं किया। मैं उसको कॉल करती हूँ। प्लीज रिदा, उसे मेरे सामने फोन करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हें क्या फिक्र हो रही है वो आए ना आए। कम ऑन अनाया, वो हमारी क्लास फेलो है, और वैसे भी तुम उससे इतना चिढ़ती क्यों? वो तो ना किसी से बात करती है ना कुछ, और तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं पता कि मुझे उसको देखकर क्या हो जाता है, एक अनजानी नफरत का एहसास होता है मुझे उसको। तुम प्लीज
उसके बारे में मेरे सामने बात मत किया। मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, तो इसको अच्छा रहना। अच्छा, आज मैडम का मूड अच्छा है, लगता है कि इब्राहिम के साथ पैचअप हो गया है ना। वो कल रात मुझे डिनर पे लेके गया था। वाकई? मुझे तो लगा कि अब तुम दोनों का पैचअप नहीं होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना रिला, कि वो सिर्फ मेरा, मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, और मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी उसे मुझ जैसी लड़की कहाँ मिलेगी। चलो अब क्लास में चलते हैं। चल। डॉक्टर को दिखाना है दोबारा? सोच रहा हूँ किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा दूँ, मगर परेशान मत। हाँ, बेगम साहिबा ने चेक भिजवाया है, सुबह पैसे ले लेना जाके। 10,000-10,000 लाख, ये तो 1,00,000 रुपए का चेक है आज ना। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा, ऐसे ही रख दिया सराने। खुद से अभी खाना बना रही थी। अल्लाह भला करे, इनका नेक लोग है, गरीबों का दर्द है इनके। हाँ, वरना कौन करता है तुम। असल में उनको मेरे खाने की आदत हो गई है। एक दिन रहमत भाई ने खाना बना दिया, किसी को पसंद नहीं आया, छोटे साहब ने तो हाथ भी नहीं लगाया। तुम नहीं जाओगी तो उन्हें तो परेशानी होगी फिर। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, कल नहीं तो परसों चली जाती हूँ। जब वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए ना। इतने अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कैसे जाओगी तुम, कमजोरी है इतनी, तुम्हें कहीं गिर पड़ गई तो लेने के देने पड़ गए। क्या तो ठीक रहे हैं। अब दूसरी मासियां ना, वो बीमार हो जाए तो उनकी बेटियां आके संभाल लेती हैं। अब हमारी बेटी तो सर बनेगी ना, उसको तो मैं नहीं भेज सकती। ऐसे माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं। वैसे भी आज वो गई नहीं यूनिवर्सिटी, उसकी पढ़ाई का हर्ज हुआ। आगे छोड़ देना ना, पैदल कहाँ जाओ, कितनी गर्मी हो रही है। अब्बा दूर कहाँ है, 50 कदम ही तो है, और गर्मी कहाँ है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सोरे मेरे हाल पर नैना रे नैना नैना पर सोरे मेरे हाल। इब्राहिम, क्या हुआ? ये तो वही लड़की है। लड़की? कौन लड़की? नहीं, कुछ नहीं।
हर्षिंग मेरा गुमान था। अरे नरगिस, खालिद बैठो बैठो। चाची हम यहाँ बैठने नहीं आए, दो टोक बात करने आए। हाँ बोलो। देखो हाजरा, ये मोहल्लेदारी और तुम हमारे रिश्तेदार, तुम्हारे मुंह पे तो लोग कुछ नहीं कहते लेकिन हमारे मुंह पे साफ साफ बोल देते कि तुम और ही हवाओं में हो। देखो नरगिस, मोहल्ले वाले तुझे भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। बेहतर होगा तुम लोग इस वक्त चले जाओ। मैं तो समझी थी मेरी खबर गिरी को आयो, लेकिन तुम लोगों के दिलों के साथ साथ जबान भी स्याह हो चुकी है, जिसे अच्छी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। वाह चाची वाह, क्या बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी टोकरियों में बड़ा बड़ा फ्रूट, महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे कपड़े, सारा मोहल्ला बातें कर रहा है कि हाजरा आखिर ऐसे कौन से दयालु लोगों के यहाँ काम कर रही हो जो उस पर ऐसे पैसे निछावर कर रहे हैं। सच बताओ हाजरा, आखिर माजरा क्या है? कुत्सिया यूनिवर्सिटी जाती है ना, और रशीद को उनका बातों का पता है या उसे सिर्फ सवारियां ढोने के लिए रखा हुआ है तुमने? बस बस कर दे नरगिस, एक लफ्ज भी बोला ना मेरी बच्ची के बारे में, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। बस चाची बस, साफ साफ कह रहा हूँ कुत्सिया को यूनिवर्सिटी से निकाल लो। मोहल्ले वाले बातें कर रहे हो और मैं मजीद बातें नहीं सुन सकता। अब इसके बाद मैं किसी हद तक भी चला जाऊंगा, देख लो। खालिद, मैं तुझे बताता हूँ तेरी हद कहाँ तक है। आज मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आ गया ना, बस आज के बाद अगर मेरे घर आया मेरी गैर मौजूदगी में, तो मैं वो हद पार कर जाऊंगा, भूल जाऊंगा कि तू मेरे भाई का बेटा है, समझा? और तुम भी कान खोल के सुनो नरगिस, आइंदा ख्याल करना, निकले यहां से बाहर। मैं निकला आ जाते हैं मुंह उठा के। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जरा सा दर्द है। वो गोली दी डॉक्टर ने, ये लो ये लो, मैं पानी लेके आता हूँ। कुत्सिया, तुम कल क्यों नहीं आई? तुमने तो कभी छुट्टी नहीं की। वो मेरी मामा की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? उन्हें एंजाइना का अटैक हुआ था, रात भर हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर सुबह डिस्चार्ज किया उन्हें। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? जिन 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 के हॉस्पिटल में गए थे ना, उसका नाम नहीं याद मुझे। वो ड्राइवर बस जहाँ ले गया वहाँ चले गए थे। हैरत है, पूरी रात जिस हॉस्पिटल में गुजारी हो उसका नाम तक नहीं मालूम, ऐसे कैसे हो सकता है? कम ऑन अनाया, उसकी मामा बीमार थी, नहीं ख्याल रहा होगा। चुप कर। तुम्हारी मामा की तबीयत अब कैसी है? अब बेहतर है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। Hey अनाया, Hey रिदा, what's up? Hello, क्या हाल है? Good, तुम कैसी हो? All set? अरे आप इस क्लास में होती हैं? Wow, good to see you, यार। ये इब्राहिम कुत्सिया को कैसे जानता है? तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? नहीं जानते तो नहीं है एक्चुअली, इन्होंने मौका ही नहीं दिया कि कोई इन्हें जान सके। हाँ लेकिन हमारे बीच में कुछ अजीब से इंसिडेंट्स हुए, कभी मेरी वजह से इनका नुकसान हो गया और कभी मैंने इन्हें तेज खाते खाते देखा तो इनसे कोल्ड ड्रिंक का पूछ लिया, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अजीब सी हैं। और रिदा मजे की बात, इन्हें लगता है कि मुझे लड़कियों से बात करने का बहुत शौक। वो तो तुम्हें है। कम ऑन, क्या हो गया है? और इनकी सबसे खास बात ये है कि वो यार वो क्या कहते हैं, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, पता नहीं क्यों सड़ी सड़ी सी रहती है। बकवास बंद करो अपनी। क्या हुआ है अनाया? वो मेरी मेड ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, और तुम्हें तो पता है ना कि
उनको उनकी औकात में रखना बहुत जरूरी होता है, वरना वो सर पे चढ़ जाते। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अरे नाया, मुझे लगा शायद तुम इब्राहिम की बात पे गुस्सा कर रही हो। नहीं नहीं, मुझे इब्राहिम की बातों पे क्यों गुस्सा आएगा। इब्राहिम पे गुस्सा? हाँ तो क्या कह रहा था मैं वो, हाँ हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती? बाय द वे आपका नाम क्या है? इब्राहिम, मुझे तुमसे काम है। हाँ नहीं, चलो इब्राहिम, मुझे तुमसे काम है। इब्राहिम चलो। अनाया, अनाया यार नाम नोट्स दिखाना, आज के हैं। चलो मुझे तुमसे बात करनी है। अनाया कम ऑन, अनाया, अनाया क्या हो गया यार? मैं बात कर रहा था और तुम मुझे यूं यहां ले आई हो। तुम वहां किसी और से बात कर रहे थे और मुझे तुमसे बात करनी थी इब्राहिम, और तुम जो बात कर रहे थे वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि मैं उसके लिए वेट करूं। अच्छा बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? वो कल जो तुम मुझे डिनर पे लेके गए थे, मुझे उसके लिए थैंक्स बोलना। अब वो मैं उन लोगों के सामने तो नहीं कह सकती ना। तो यार तो तुम रात को बोल चुकी हो ना, तो मैं दोबारा नहीं कह सकती क्या? तुम्हें यही बात करनी थी। सुनो, तुम कुत्सिया को कैसे जानते हो? कुत्सिया? कौन कुत्सिया यार? वही क्लास में जिसकी तुम शान बयान कर रहे थे। अच्छा उसका नाम कुत्सिया है? अब ये मत कहना कि तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता। नो सीरियसली, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं तो उसको भी नहीं जानता, उसके नाम को क्या। कुत्सिया? लेकिन तुम इस बात को लेकर इतना हाइपर क्यों हो रही हो? कैसे ना हूं मैं, तुम मेरे दोस्त हो इब्राहिम, और मेरी क्लास फेलो को जानते हो, उससे इतना फ्रैंक हो रहे हो, तो मैं कैसे ना पूछूं। वैसे ही इब्राहिम तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहा था, तुम जानती हो उसे? नहीं तो, बस एक दो बार मुलाकात हुई थी, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानती थी। वैसे इब्राहिम बहुत अच्छा लड़का है, अनाया का बेस्ट फ्रेंड है, इनफैक्ट अनाया तो उसके बारे में पागल है, शी इज क्रेजी अबाउट हिम। और इब्राहिम? उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि अनाया ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की अब तक, जब वो करेगी तो तभी पता चलेगा ना। चलो बाहर चलते हैं, अनाया ने पता नहीं क्या हाल किया होगा उसका। क्या मतलब? जैसे वो उसका हाथ पकड़ के गई है, आई होप कि वो जिंदा भी होगा। चलो मैं ये कॉपी करके आती हूँ, तुम्हें भी तो नोट्स देने हैं फिर बाद में। चलो मैं जा रही हूँ। कब से चल रहा है वैसे ये सब कुछ? कह रही हो तुम, क्या कह रही हो, क्या सोच रही हो? मैं किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता, किससे मिलता हूँ, किससे नहीं मिलता, मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊँ? मैं तुम्हें ये बताने का पाबंद ही नहीं हूँ, क्यों मैं तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ? इब्राहिम प्लीज अनाया, चला गया और तुम हर बार की तरह चीखते चिल्लाती रहे। अनाया तुम क्यों ऐसे शख्स के पीछे अपना पैसा, अपनी फीलिंग्स बर्बाद कर रही हो, जिसे उसकी कदर तक नहीं है? तुम प्लीज हम दोनों के बीच में मत आओ अली। मैं बीच में आया तुम्हारे बीच में? तो वो आए हमारे यार, मैं तो बहुत पहले से दोस्त हूँ ना तुम्हारा, और हमारी तो फैमिली टर्म्स भी है अनाया। जब से तुम्हारी उससे अच्छी दोस्ती हुई है ना, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं तुम दोनों से दूर रहूँ, लेकिन जब भी वो तुम्हें हर्ट करता है ना, तुम उसे देखा नहीं जाना। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पर अनाया मेरी बात तो सुनो यार, अनाया मैं तुझे बताता हूँ तेरी हद कहां तक है। आज मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आ गया ना, बस आज के बाद अगर मेरे घर आया मेरी गैर मौजूदगी में, तो मैं वो हद पार कर जाऊंगा, भूल जाऊंगा कि तू मेरे भाई का बेटा है, समझा? तो गया चाचा, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे अरे ये क्या कर रहा है, छोड़ इसे। मां हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आना, मैं बता रहा हूं। मैं कह रही हूं छोड़ इसे, रख इसे वापस। चाचा तो गया आज काम से, चाचा नहीं बचने का आज। बस अरे ये दे पिस्तौल मुझे, दे पकड़ा इधर। अम्मा मेरा खून खौल रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा गिरेबान पकड़ने की, तुमसे बदतमीजी करने की। चाचा को तो नहीं छोड़ूंगा, हट जा। तू चाचा को गोली मार के खुद सूली चढ़ जाएगा, फांसी लगेगा, मां के बारे में सोचा, मेरा क्या होगा? चढ़ जाऊंगा सूली, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, क्या करूं मैं? ये वक्त जोश का नहीं, होश का है। उसने किया गया हर फैसला गलत होता है, समझ कर। वक्त आने दे, फिर बताऊंगी मैं।
रशीद को और हाजरा को बरगद से टक्कर लेने का जाम क्या होता है जब याद रखेंगे। पकड़ा इसको। आखिर गई का अच्छा बताओ कुत्सिया क्या लोगी? मैं नहीं कुछ नहीं। कम ऑन यार, जूस पीने से तो कुछ नहीं होता। कहीं तुम डाइटिंग के नाम पे कंजूसी तो नहीं करती हो क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। परेशान मत हो, आई एम जस्ट किडिंग यार। क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान तो लग रही हो, लेकिन सुनो, अगर तुम अनाया की वजह से परेशान हो तो प्लीज उसको सीरियसली मत लो, मैं उसको समझा लूंगी। अच्छा चलो छोड़ो, मैंने ना अपनी टिकटॉक वीडियो बनाई है, ये देखो। अच्छी है ना? मुझे ये बताओ कि तुमने कोई ट्राई किया? हाँ। अच्छा, कैसी बनी वीडियो? मुझे भी दिखाओ। मैंने तो वीडियो अपने घर पर बनाई थी, अगर मैंने दिखा दी तो रिदा पर मेरी असलियत जाहिर हो जाएगी। कुत्सिया क्या सोचने लगी हो, दिखाओ ना। नहीं। क्या नहीं? वो मुझसे डिलीट हो गई थी। डिलीट कर दी थी? मगर क्यों? अच्छी नहीं लगी मुझे तो मैंने डिलीट कर दी थी। कम ऑन कुत्सिया, तुमने ये टिकटॉक वीडियोस किसी चैनल को थोड़ी ना भेजनी है। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम दोनों ना टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, तुम बोलना और मैं रिकॉर्ड करूंगी। यहाँ? नहीं नहीं यहाँ नहीं। क्यों, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्या खराबी है? अरे आजकल कोई नहीं शर्माता, सब इसी में लगे हुए। सिर्फ अनाया जैसी बोरिंग लड़कियां ना इन चीजों को पसंद नहीं करती। रिदा यहाँ नहीं ना, मैं तुम्हें घर पे बना के भेज दूंगी, प्रॉमिस। अच्छा प्रॉमिस? हाँ। ओके। मामा। हाँ, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? हाजरा भी कहाँ है, कब आएंगी वो वापस? बेटा बीमार है, दो तीन दिन में आ जाएगी। तुम्हें हाजरा से क्या काम है? रहमत को कहा था कि पास्ता बनाकर ला दो। पता नहीं वो क्या बनाकर ले आया। मामा इतना गंदा टेस्ट था, मुझे तो सोच के हैरत हो रही है। आप एक काम करें, हाजरा बीबी को अभी बुलवाएं। ऐसे कैसे बुला लो बेटा, बताया ना कि बीमार है, एक दो दिन में आ जाएगी। मामा दो दिन से उस रहमत ने कुछ भी ढंग का खाना नहीं खिलाया, और दो दिन तो हो गए ना, तबीयत बहुत बेहतर हो गई होगी अब तक, आप कॉल करें उनको। उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना ठीक होने में, दो दिन में आ जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि रहमत को कह के ना कुछ और बनवा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दें प्लीज, नहीं खाना मुझे उसके हाथ का कुछ भी। अब मैं बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ, और इसके बाद आप मुझे ये नहीं बोलना कि बाहर का जंक फूड खा करके बीमार हो रही हो। अच्छा मेरी जान, कर लो ऑर्डर, एक दो दिन दे दो मुझे, मैं कोई इंतजाम करती हूँ। ठीक है यार मम्मा। क्या हो गया इसको, छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ हो जाता है। तंग आ गई हूँ मैं माँ बेटों के रोज रोज के झमेलों से, परेशान करके रख दिया। खुद को हल्का मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह भी तबीयत खराब हो गई थी। क्या 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 क्या, अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी? आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डॉक्टर ने एक दवाई दी थी कि आपकी तबीयत जब भी खराब हो फौरन खा लें, आप वो फौरन खानी थी। तुम्हारे अब्बा ने दे दी थी, तभी तो कुछ तबीयत संभली उठकर बैठी हूँ। अरे भाई इन्होंने तो रोज रोज का मामूल बना लिया है इस बात को, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर आ जाते हैं लड़ने को। ऐसे लगता है जैसे इनकी तो रोटी हजम नहीं होती जब तक मुझसे झगड़ा ना कर ले। अरे माँ क्या कम थी जब बेटा शुरू हो गया। मसला क्या है इनके साथ? वही मसला, ले देकर वो एक ही बात, महंगे कपड़े, मोबाइल, फलों की टोकरी, अब वो नहीं हजम हो रही। पता है हमारी जासूसी करते ही रहते हैं। देख लिया होगा ड्राइवर को गाड़ी से उतारते हुए, तब से ही माँ बेटे को आग लगी हुई है। इतनी बातें सुनाई है, इतनी बातें कि अल्लाह की पनाह। अब आप साफ साफ उनसे कहते क्यों नहीं है कि हमारे घर ना आया करें? मुझे तो इस सोच के भी शर्म आती है कि वो हमारे रिश्तेदार। सामने तो कहा था मैंने उसे, अच्छी तरह समझा दिया,
बंदाशी को हरकत नहीं करेगा। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे कह दिया ना कि आप जान से मार दूं, भाई का बेटा जवान खून है, बोल देता है इंसान। कॉल नहीं पिक कर रहा। कॉल तो तुम भी मेरी पिक नहीं करी थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। मेरा मूड नहीं था किसी से बात करने का। अच्छा, तो अब तुम्हें अपना मूड देखना होगा मुझसे भी बात करने के लिए। हाँ रिता, क्योंकि तुम्हें अब मेरी जरूरत तो है नहीं, तुम्हें वो कुत्सिया जो मिल गई। कम ऑन अनाया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुत्सिया एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम पता नहीं उससे इतना इरिटेट क्यों होती हो। आज सुबह भी यूनिवर्सिटी में जब इब्राहिम उसके बारे में बात कर रहा था, तुम गुस्से में उसका हाथ खींच के ले गई। वो तो उसे जानती तक नहीं है यार। अगर वो उसको नहीं जानती तो इब्राहिम उसकी इतनी तारीफें क्यों कर रहा था? हम सब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हो सकता है कि कहीं मुलाकात हो गई हो, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और वैसे भी इससे पहले कि हमें कुछ पता चलता, आप मैडम तो उसको वहां से ले गई थी। मेरी बात सुनो, वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, तुम उसके बारे में गलत सोच रही हो। अच्छा, तो तुम उसकी फैमिली को भी जानती हो? नहीं, मैं उसकी फैमिली को तो नहीं जानती, लेकिन मुझे उसकी बातों से अंदाजा हुआ है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। मुझे उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इब्राहिम किसी के बारे में बात करे वो भी मेरे होते। अब तुम इब्राहिम पे पाबंदी तो नहीं लगा सकती कि वो किससे बात करे और किससे ना करे, उसकी अपनी मर्जी है यार। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, हम कहीं बाहर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है। अच्छा, तुम्हारा इसलिए मूड नहीं हो रहा क्योंकि इब्राहिम तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा है ना? मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज है। तुमने जरूर कुत्सिया के बारे में बात की होगी। ओ गॉड अनाया, प्लीज बस भी करो, कल यूनिवर्सिटी में उसको सॉरी बोल देना। वैसे भी तुम दोनों का ना ये चलता रहता है, वो नाराज होता है तो तुम मना लेती हो, तुम नाराज होती हो तो वो मना लेता है, ये कभी भी नहीं खत्म होगा। चले अब उठो। नहीं प्लीज रिता, तुम भी ना। नैना रे नैना, नैना बरसो रे मेरे हाथ।